ये और माशाल्लाह आज फार्म की अपडेट देंगे आप लोग को। और काफ़ी टाइम बाद आए भाई, बकराईद के बाद तकरीबन पहला चक्कर ये। और इंशाल्लाह कुछ माल आ चुका है और पलाई के भी हवाले से बताऊंगा। काफ़ी दोस्तों की यार मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी इनबॉक्स में माल परचेज के हवाले से भी और पलाई के हवाले से भी, तो इंशाल्लाह आज यार सबके सवालात का जवाब भी दे दूंगा। और इंशाल्लाह जो भाई पलवाना चाहता है हर हवाले से इंशाल्लाह उनको अपडेट करते हैं। चलें भाई फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। चलते हैं फिर इंशाल्लाह वीडियो की तरफ। अच्छा जी दोस्तों चलें स्टार्ट करते हैं यार फिर माल दिखाना। और कुछ माल यार लोगों के लिए मैंने जैसे कि बोला इनकी लोगों के जो सवालात थे इंशाल्लाह वो भी दूर करेंगे, और परचेजिंग के हवाले से भी यार कुछ माल मौजूद है यहाँ पर और एक बछड़ी में है जैसे कि, और दो तीन बछड़े हैं तो इंशाल्लाह वो भी दिखाता हूँ आप लोग को। चलते हैं पहले बछड़ियों से स्टार्ट करते हैं भाई। जैसे कि यार ये लाल वाली बछड़ी है, ये तो खैर पलाई पे आई हुई है माशाल्लाह, खीरी है जो कि, और इसकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी चल रही है माशाल्लाह से। ये तकरीबन हमारे पास पिछले सीज़न की है ये, और अभी तक खीरी है माशाल्लाह। इसकी पलाई का जवाब नहीं है भाई माशाल्लाह, बहुत ऊपर की बछड़ी निकलेगी माशाल्लाह 2024 में, ये देख सकते हो आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस वक्त जैसे कि आप लोग का भाई दादा जो सवालात आ रहे थे और जो जवाब मुझे देने थे, मैंने बोला इंशाल्लाह वीडियो बना के दूंगा। जैसे कि ये बछड़ी एक बहुत ही नस्ल में बछड़ी है, मैं कहता हूँ अभी बिल्कुल इस पर ना काम हुए हुआ नहीं है, इसका जो बाकी काम है ना वो इंशाल्लाह इस सीज़न में करना है इसका। और जो कि ये भी मेरे ख्याल से दो दांत या तीसरा गिरा दिया हुआ है इसने। और जो लोग बोल रहे थे यार हमें पर माल चाहिए और माल लेके आपके पास पलवाना है, वो सहूलत भी मौजूद है। तो जैसे कि ये बछड़ी है और ये भी अवेलेबल है भाई, जो भाई परचेज़ करना चाहे वो कर सकता है। और पलाई के हवाले से भी बात करता चलूँ, हमारे यहाँ जो पलाई स्टार्टिंग प्राइस है बिल्कुल मिनिमम जो रखे हमने यार शौकीनों के लिए, कोई हमने जैसे कि पहले सोचा था 40 से रखने, लेकिन कुछ हमारे शौकीनों की रिक्वेस्ट थी यार, वो बोल रहे थे यार कोई 5-1 हज़ार के बेनिफिट दें हमें, तो हमने बोला चले यार 35 से हमने स्टार्टिंग प्राइस रख ली है। तो उनके लिए के जो बछड़ी ये मौजूद है अवेलेबल है फॉर सेल के लिए, तो पलाई के। और ये देख सकते हैं बछड़ी, मैं आपको बैग से भी दिखा देता हूँ, ये देखें भाई माशाल्लाह बछड़ी में जगह ही जगह है भरपूर, मैं कहता हूँ माशाल्लाह। अभी सीना वीना भी छोड़ लिए, अभी से भी ये बछड़ी खुली है अभी माशाल्लाह से, और कलर वगैरह में बहुत अच्छी माशाल्लाह आएगी ये बछड़ी अपने टाइम पे। और जैसे कि ये तो खैर हमारे पास दूध वाली गाय थी उसी का ही बच्चा था, ये भी माशाल्लाह बड़ा हो गया काफ़ी। और चलते हैं अभी बछड़ों की तरफ, ये देखें भाई माशाल्लाह जो पांडा बच्चा, अच्छा जो बिचोले में फुल बनाव वाले चीज़ों में शौक़ करना चाहे ना वो ये बच्चा ले सकता है। ये देखो भाई माशाल्लाह फुल बनाव में भरपूर हो रहा है। अच्छा मैं कुछ जो मुझे लगेगा ना माल जो सेल का है अवेलेबल है वो खोल के भी दिखाऊंगा। ये बछड़ा भी अगर कोई शौकीन भाई ले के पलवाना चाहे या लेना चाहे वो आपके ऊपर है, ये भी ले सकते हैं, ये भी अवेलेबल है भाई। पांडा बछड़ा है बिचोलों में आएगा और बहुत तबाही चीज़ बनेगा भाई माशाल्लाह, ये खूबसूरत चीज़ है ना भाई। ये भी खैर पलाई पर आया हुआ है, और साथ ही साथ एक और ये बछड़ा हुआ है। इस बछड़े का मैं कहता हूँ इसे बस अभी बच्चा है बिल्कुल, ये दांत निकाल लाई है, ये देखो भाई माशाल्लाह बहुत सीधा हुआ है। अच्छा अभी इनको है ना सबको गुड़ खिलाया है भाई, क्योंकि इनकी अभी होगी डिवॉर्मिंग माशाल्लाह। ये देखो प्रिंट चेक करो बछड़े का माशाल्लाह, ये दो दांत हो रहा है, और ज़रा घूमो ये देखो भाई बछड़े की हाइट और लेंथ, ये देखो कलर प्रिंट में भाई इंशाल्लाह इस सीज़न में यही हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि जो, अच्छा ये भी है ना फॉर सेल अवेलेबल है शौकीनों के लिए, और ये ना पैकेज के साथ लेना चाहे पूरे सीज़न तक वो भी हो सकता है, और बाकी सेल अगर आप परचेज़ करना चाहो उसे परचेज़ के लिए भी मौजूद है। तो इस साल इंशाल्लाह हमारा यही प्लान है कि यार शौकीनों का अच्छा शौक कराएं। और ये भी खैर ये तो पलाई पर आया हुआ लाल बछड़ा है, ज़रा ये बिन्नोट हुआ अभी माशाल्लाह बछड़ी की लेंथ और हाइट देखो यार माशाल्लाह। और एक ये लाल बछड़ा, ये भी देसी में प्योर साहिवाल बच्चा, ये देखो माशाल्लाह ये दोनों लाल है ना बिन्नोट हुए भाई फुल माशाल्लाह। नस्ल वगैरह में चेक कर सकते हो आप लोग, फेस कट वगैरह नस्ल नाफा जाला, ये भी अवेलेबल है। ये तकरीबन ये दो दांत हो चुका है ये वाला बछड़ा, ये देख सकते हो भाई माशाल्लाह, ये देखो भाई खुद ही घूम गया, ये देखो माशाल्लाह आप चेक करो। अच्छा जो फॉर सेल का माल होगा उसका मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा नवीद भाई का, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ये बछड़ा है, ये भी खैर हमारे पास पलाई पे आया हुआ है माशाल्लाह, बहुत छोटा बच्चा आया था ये,
क्या 7-8 महीने का ऐसा ही था ये बच्चा, और माशाल्लाह आज देखें इसकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है यार, माशाल्लाह कितना खूबसूरत हो गया ये। ये देखो भाई झालर वालर कैसी छोड़ दी बच्चे ने, बहुत अच्छा हो रहा है यार माशाल्लाह। काविज भाई हैं और देखेंगे और दिल खुश हो जाएगा उनका भाई। ओए माशाल्लाह क्या फेस कट दे रहा है, तभी जैसे बच्चे ने अपनी नस्ल छोड़ना स्टार्ट करी है भाई। ये देखें और ये आगे है, और ये वाला देख सकते हो, ये भी खैर पलाई पे आया हुआ, बड़े फ्रेम का बच्चा है, लेकिन ये अभी अपनी डिबॉर्निंग वगैरह होगी इनकी, तो इंशाल्लाह जो भी इनके पेट के कीड़े वगैरह होंगे वो ज़रा साफ़ होंगे तो फिर ये अपना वज़न पकड़ना शुरू करेंगे भाई। ये देख सकते हो बड़े फ्रेम का बच्चा है भाई माशाल्लाह। अच्छा ये कुछ माल था फार्म पे, और इंशाल्लाह भी जो कुछ फॉर सेल वाला है वो खोल के भी दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा जी जैसे कि भाई अली भाई की वापसी हो गई माशाल्लाह, और ये बछड़ी है जो कि फॉर सेल है, मैंने बोला एक ज़रा खुलवा के भी दिखाऊँ जगह पता चल जाए थोड़ी चार चोल चलन वगैरह, इसको लेके जाओ यार ज़रा सामने चलाना। अरे अली भाई इसको ज़रा लंबा करो, लंबा करो थोड़ा तेज़। माजू ज़रा गेट पे देखियो कौन है, बस लेके आओ दादा ढूंढनी। ये देखो भाई मैंने आप लोग के लिए निकलवाई है भाई, लोग होते हैं ना यार ज़रा चला के दिखाओ और जो फॉर सेल वाला माल होता है। ये देखो भाई बछड़ी में नो डाउट मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है भाई, इसकी जो मेहनत है ना सीज़न की वो बाकी है बस, तो वो इंशाल्लाह भरपूर होगी। और भाई मैंने जैसे बार बार ये बता रहा हूँ, बस रोको बार बार जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग कहते हैं पैकेज के साथ भी अवेलेबल मिल जाएगा ये पैकेज आपको बछड़ी के साथ। ये देखो भाई बछड़ी के अभी से ही पुट वगैरह कैसी हो रही है माशाल्लाह, और नाफे झालर वाली बछड़ी है भाई माशाल्लाह। ज़रा इसके सीने पे हाथ लगाओ, ये देखो भाई माशाल्लाह हाइट वगैरह में भी बहुत अच्छी बछड़ी है, वरना इस हाइट में बहुत कम देखी जाती हैं बछड़ियाँ। फेस कट वगैरह हर चीज़ में बराबर है और अवेलेबल है, पैकेज के साथ आप लेना चाहो पूरे सीज़न के या वैसे परचेज करना चाहें वो सब डिटेल आपको नंबर में मिल जाएगी, नवेद भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी ये है कि इंशाल्लाह एक वो बिचोला बछड़ा खुलवाता हूँ पांडा, और एक ये गुलाबी खुलवाता हूँ, चलो इसको बांध दो। मैंने अभी जो खुलवा रहा हूँ छोटे बछड़ों में, जो मैं कहता हूँ ना जो बिचोले में लोग शौक करना चाहें फुल गोल मोल आइटम का, और ये ऐसा नहीं है कलर में भी नहीं है, कलर में बछड़ा फुल बिचोले में हुआ है, और लेके आओ ज़रा इसको पांडे में हो रहा है। और इसके अभी दांत वगैरह भी चेक करते हैं, कहीं दांत वांत तो नहीं करे इसने, ये अभी तक तो वही खीरा ही था। इसके दांत देखना, दांत मस्ती करेगा वैसे तो। चलो इसको अभी बांध के देखेंगे, बांध के अभी आगे लाओ ज़रा राउंड लगवा इसको। माशाल्लाह यार बहुत ही अच्छे कलर में है, लेकिन ये बिचोला ही रहेगा ये बच्चा, और गोल मोल ऐसा हो जाएगा तगड़ा जब ये ज़रा इसका सीज़न की ज़रा खिलाई चलेगी ना माशाल्लाह। अभी सही भाई गुलाइयाँ आना शुरू हो गई बच्चे की, ज़रा घुमाओ माशाल्लाह कलर में तो भाई बादशाह है भाई। ये देखो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, बस रोको ये चेक करो भाई माशाल्लाह फुल मस्ती में हो रहा भाई। ओए होए ओए होए क्या बात है भाई, रोको माशाल्लाह, बस सही है वरना फिर मस्ती स्टार्ट करेगा ये अपनी। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह क्या बात है भाई, चलो इसको लेके जाओ फिर इसके वहाँ पर बांध के ना दांत चेक करना। चलो भाई अली भाई बोलने इधर ही चेक करो, क्या बात है भाई गिरा दिया भाई, और तकरीबन 10 दिन के अंदर दांत निकलना शुरू हो जाएंगे इसके भाई। तकरीबन भाई ये भी दो दांत होने वाला है बच्चा, लेकिन मैं बोलता हूँ ना बिचोले का जो शौक करना चाहे और कलर के साथ बहुत अच्छा है भाई उस शौकीन के लिए। लेकिन जो मेरे साथ आया हुआ है ना यार, क्या इसको दुख भरा हुआ है भाई, बिल्कुल देख लो फेस से देख लो, अंदाजा लगा सकते हो पूरे साल लड़का भाई मेहनत करके बकरे पाले। और सीज़न कैसा रहा भाई तुम्हारा? सीज़न तो अच्छा रहा माशाल्लाह, थोड़ा सा लाउडली बोलोगे मुझे पता है दुख हुआ है तुम्हें बहुत। सीज़न अच्छा था माशाल्लाह, लेकिन दिन ही पता नहीं चले इतनी जल्दी गुजर गई भाई। बात तो बिल्कुल इसने मैं बोलता 100% राइट बोली है, पता ही नहीं चलता जैसे हम यार जितने क्रेज हुए होते ना वो क्रेज हम अपना शौक में है ना तब्दील कर ही नहीं पाते, क्यों बात क्या सही बात है ना। मैं तो खुद शौक पूरा करने के लिए घर पे दिल नहीं लगा भाई, इसने मुझे कॉल करी यार कि बाड़े वाड़े जा रहे हो तो मुझे ज़रूर लेके जाना, मैंने बोला क्यों नहीं यार, लड़का बड़ा उदास हुआ है और आगे के मामला तब देखते हैं। क्या सीन है, क्या तुम्हारा प्लान है इस साल का, बकरों का है? बकरों का तो है भाई, बकरों का प्लान है इस साल, और अभी मैं खुलवाता हूँ अभी ये वाला बछड़ा जो कि गुलाबी में
फेस कट में, नस्ल में माशाल्लाह भरपूर है। और जो 24-25 के लिए भी अगर शौक करना चाहे ये इस बछड़े को ले सकता है भाई। 24-25 वाला आइटम है भाई ये माशाल्लाह। ज़रा इसका नाक साफ़ करो। ओए होए होए, मस्ती वाले बच्चे, ऐसे मज़ा आता है यार फार्म पे जब तक कोई माल खुलने के साथ मस्ती ना करे फिर मज़ा नहीं है। ओए होए होए, क्या बात है भाई, मस्ती कर रहा है पुत्र, क्या बात है भाई, क्या बात है माशाल्लाह। मैं कहता हूँ ये 24 और 25 वाले जो शौक करना चाहे ना ज़रा, उनके लिए बेस्ट चीज़ है यार ये माशाल्लाह। बड़े लंबे हाथ पैर का बच्चा है, बड़े फ्रेम का बच्चा जो कहते हैं ना, लेके जाओ इसको, लंबा करो, थोड़ा दुड़ाओ इसको, दुड़ाओ, थोड़ा मस्ती कर रहा है ना ये। ये माशाल्लाह भाई, क्या बात है। ओह हो भाई, अभी तो बच्चा है बिल्कुल, इसने भी तकरीबन दांत गिराए हुए हैं यार अभी। ओह हो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई, यही होना चाहिए यार। जब तक बछड़े का है ना, जानवर का पता ही जब चलता है, जब खुश हो ना, खुलने के बाद जब मस्ती करे, जब पता चलता है जानवर खुश है भाई अपनी जगह पे। माशाल्लाह ये भी बच्चा अवेलेबल है। और जो के अगर जो भाई शौक़ करना चाहे बड़ी चीज़ का और 24-25 वाले आइटम का, ओए होए 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 माशाल्लाह, क्या बात है यार, दिल खुश कर दिया इसने खुलने के बाद। अली भाई ये भी दो दांत हो गया, ये हो रहा है ना, ये भी, ये भी तकरीबन दो दांत हो रहा है। और माशाल्लाह भाई मज़ा आ गया इसकी मस्तियाँ देख के। ज़रा इसको एक आखिरी राउंड लगवा फिर बांधो इसको। ओए होए ओए होए माशाल्लाह भाई, क्या बात है यार, क्या बात है। ओए होए, देख के गाड़ी है। ओए होए, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। चलो चलो चलो, बांधो बांधो, मज़ा आ गया भाई। सही है भाई, ये भी जो मैंने बताया था अवेलेबल है। और एक इनके अंदर लाल है, लाल वाला भी अवेलेबल है फॉर सेल। ये 4 एक बछड़ी और 3 बछड़े हैं जो कि ये अवेलेबल हैं, और रीज़नेबल प्राइस में दे देंगे यार आप लोग को। अगर पलाई के साथ पैकेज करवाओ उसमें और आप लोग के लिए बेनिफिट हो जाएगा भाई। ओए होए होए होए, मस्ती में आ गया भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरती है यार इसकी, ये चेक करो माशाल्लाह। ओह हो, ये चेक करो खरान, अब इसकी खड़ान, सुभान अल्लाह। अच्छा जी दोस्तों, जैसे कि आज आप लोग को दिखाया यार वीडियो में, क्योंकि सेल का भी माल अवेलेबल था और वो भी आप लोग को सारी डिटेल दे दी मैंने। और ये था आज की यार वीडियो बनाने का, काफ़ी लोगों की पलाई के हवाले से और सेल परचेजिंग के हवाले से भी मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने बोला यार एक वीडियो बना के जवाब भी मिल जाएगा। और ये है कि फिर इंशाल्लाह ऐसे फार्म की फिर अपडेट भी आती रहेगी। और पलाई सर्विस का भी मैंने बता दिया कि मिनिमम 35,000 रुपये से स्टार्टिंग है, सही है ना। और जो 3-4 माल था फॉर सेल वो भी बता दिया, अगर वो पूरे पैकेज के साथ आप लोग लेना चाहें वो भी हो जाएगा। तो यही था आज की वीडियो का मकसद। तो चलते फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई को, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।